गरीबों को दे देंगे, उनके घर बनाने के लिए और उनकी खेती बाड़ी करने के लिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने गरीब गरीब का नारा दोबारा लगाया अपनी तकरीरों में, तो फिर मैं गरीबों को कॉल दूंगी कि गरीबों जमा हो जाओ और इनके 300-300 कनाल के महालात पर और इनकी जो सैकड़ों कनाल जो इनकी जमीनें हैं जराई उस पर हमला कर दीजिए और उस पर अपने घर भी बनाओ, फीते भी साथ लेकर आओ कि ये दो मरला मेरा हो गया, दो मरला आपका हो गया, फीते भी साथ लेकर आओ। फिर उसमें मैं लोग कहूंगी कि अपने जमीन घर भी बनाओ और जमीनें भी ले लो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों की जमीन लूट कर ये लोग अमीर बने। मरियम नवाज की आमद की जमीनों में 548 कनाल का इजाफा पिछले साल हुआ है। कहां से 548 कनाल का इजाफा हुआ, कहां से क्या आया? फिर इमरान खान रियाजी कहता है कि मैंने कमेंट्री की, क्रिकेट कमेंट्री की, मुझे 98 लाख मिले 2016 में। पहले तो आप सबूत हमें दिखाओ कि आपने कमेंट्री किस चैनल पे, कहीं ये जंगला बस का पैसा तो नहीं था, काला पैसा जिसको आपने सफेद किया और आप कहते कि कमेंट्री में मैंने पैसा कमाया। कहीं खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोगों का, दहशतगर्दी से मुतासर लोगों का पैसा तो आप परवेश फटक ने आपके घर नहीं पहुंचाया? तो हमें सबूत पेश करो कि मैंने कमेंट्री की थी और 98 लाख मुझे इसकी वजह से मिले। फिर कहता है कि 2015 में मैंने 76 लाख की कमेंट्री की। बात यह है कि गरीबों के नारे लगाना बड़े आसान है, ये 1947 से हम सुन सुन कर थक चुके हैं। कितने गरीब नौजवानों को मदद की, इस 75 लाख पे आपने कितने गरीब नौजवानों को छोटे पैसे दिए कि आप अपने कारोबार शुरू करो। मैं आपकी आपके मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रही हूँ और मैं कोई गैर संजीदा बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप गौर से सुनिए बात। 75 लाख में से कितने पैसे आपने गरीबों को दिए? अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं, नौजवानों को छोटे पैसे आप दे सकते थे कि आप इससे नौकरियां शुरू करो, अपने कारोबार शुरू करो, क्योंकि माँ बाप परेशान है, लोग हमारे खुदकुशियां कर रहे हैं। और फिर शौकत खानम का आप बात करते हो, 5-5 रुपए के आप चंदे लेते हो गरीब कौम से, अपने 98 लाख आपने क्या शौकत खानम को दे दिए या अपने बैंक पर रख लिए आपने?